हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज आपको फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। आज हम बना रहे हैं एक स्टार्टर रेसिपी, वो बहुत ही डिलीशियस और क्रिस्पी और जूसी रहती है। उसका नाम है क्रिस्पी बटरफ्लाई चिकन। ये बटरफ्लाई चिकन बहुत ही ईजी है बनाने के लिए और बहुत ही डिलीशियस बनती है और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए, इससे आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। चलिए अब हम पकाना शुरू करते हैं। हमने यहाँ बोनलेस चिकन लिया है 400 ग्राम। इसको 1 इंच के टुकड़ों में हमने क्यूब्स में काट लिया है। हमने चिकन को अच्छे से धो के रख लिया है, उसका पानी अच्छे से ड्रेन कर लिया है। अब हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून और साथ ही हम बटर डालेंगे। हमने अनसॉल्टेड बटर लिया है, वो भी 1 टीस्पून डाल लेंगे। आप सॉल्टेड बटर भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसमें सूखे मसाले डाल लेंगे जो कि यू है 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून पेपर पाउडर, 3/4 टीस्पून हमने नमक लिया है और 1/4 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट लिया है। इसके साथ ही हमने 2 स्पून डार्क सोया सॉस लिया है। इसको डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमने सारे चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें 4 टीस्पून कॉर्न स्टार्च डालेंगे, यानी कॉर्न फ्लोर भी बोला जाता है, और 4 टीस्पून मैदा डालेंगे, इसको ऑल पर्पस फ्लोर भी बोला जाता है। 1 पिंच रेड फूड कलर डालेंगे जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है, और इसके साथ ही हमने लेमन जूस डाला है। एक सारे लेमन का जूस निकाल लिया था, वो सारा लेमन का जूस डाल लिया है। अब इसको मिक्स कर लेंगे हम। देखिए हमने चिकन को थोड़ा मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें 2 टीस्पून हंकर डाल लेंगे जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। हंकर के बदले आप नॉर्मल दही भी डाल सकते हैं, मगर थोड़ा थिक रहना चाहिए। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपका चिकन ड्राई हो रहा हो कॉर्नस्टार्च और मैदा डालने से, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको सॉफ्ट सा मैरिनेट रेडी कर लीजिए और इसको 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। देखिए हम यहाँ पोटैटोज़ को स्लाइस कर रहे हैं। इसकी थिकनेस ज़्यादा थिन भी नहीं रहनी चाहिए और ज़्यादा थिक भी नहीं रहनी चाहिए, मीडियम थिकनेस में इसको हम स्लाइस कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरह है इसका थिकनेस, देखिए आप इस तरह से आप स्लाइस कर लीजिए। चलिए हम आपको दिखा देते हैं इसकी थिकनेस। देखिए इतनी थिकनेस रहनी चाहिए। देखिए हमने यहाँ एक पोटैटो स्लाइस लिया है, इसमें 1 चिकन का क्यूब रख देंगे और इसको टूथपिक से सिक्योर कर लेंगे। अगर आपको ये रेसिपी जल्दी बनानी हो तो आप 10 से 15 मिनट चिकन को मैरिनेट कर सकते हैं, मगर 1 आवर मैरिनेट करने से इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, चिकन बहुत जूसी बनता है। देखिए हमने सारे बटरफ्लाई चिकन को रेडी कर लिए हैं, अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। ऑयल का टेम्परेचर मीडियम रहनी चाहिए, हाई नहीं रहनी चाहिए। अगर से हाई रहा तो पोटैटोज जल जाएंगे और चिकन नहीं पकेगा, इसलिए मीडियम रहना चाहिए ऑयल का टेम्परेचर, इसका ध्यान ज़रूर रखें। बटरफ्लाई चिकन को ऑयल में डालते ही इसको फ्लिप ना कीजिए, वरना ये सीधा पकेंगे नहीं, इसलिए इसको 4 से 5 मिनट्स ऐसे ही छोड़ दें मीडियम फ्लेम पे। 4 से 5 मिनट्स के बाद में इसको फ्लिप कीजिए। देखिए बटरफ्लाई चिकन के पोटैटोस कितने अच्छे लग रहे हैं। इसको फ्लिप करके इसको भी 4 से 5 मिनट्स मीडियम फ्लेम पे ही पकाइएगा। देखिए 4 से 5 मिनट्स के बाद हमने फिर से इसको फ्लिप कर दिया है। पोटैटोस बहुत ही क्रिस्पी हो गए हैं और चिकन भी पक गया है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। देखिए कितने स्वादिष्ट कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत पसंद आएंगे। इसका पोटैटो बहुत ही क्रिस्पी बनता है और चिकन बहुत ही जूसी और सॉफ्ट रहता है, बहुत ही अच्छा लगता है इसको खाने के। जब
आप इसको टोमेटो केचप के साथ या शेजवान सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। पोटैटो बहुत ही क्रिस्पी रहता है और चिकन सॉफ्ट और जूसी रहता है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। आपको अगर से हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।